सिविल लाइन पुलिस ने चोरी और लूट के बड़े मामलों का खुलासा करते हुए करीब 4.25 लाख रुपए के जेवरात और नगद बरामद किए। इन मामलों में 3 आरोपी और 1 खरीदार को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस बड़े मामले का खुलासा करते हुए बताया गया कि सिविल लाइन थाना प्रभारी सुरेंद्र स्वर्णकार को सूचना मिली कि 3-4 लोग चोरी के जेवर बेचने के इरादे से ईदगाह चौक के आसपास घूम रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस ने घेराबंदी कर बलौदा निवासी छोटू केवट, खमरिया निवासी इकबाल मोहम्मद, बेलपहरी हरदी बाजार निवासी सुनील राठौर और दामादपारा सिरगिट्टी निवासी संतोष नेताम को पकड़कर पूछताछ की, जिससे खुलासा हुआ कि इन लोगों ने बालोद जांजगीर चांपा क्षेत्र में कई चोरी और लूट की वारदातों को अंजाम दिया है। कार्रवाई के दौरान आरोपियों के पास से 5,172 ग्राम चांदी के जेवर, जिसकी कीमत 3,52,050 रुपए है, नगदी 4,003 मोबाइल बरामद हुए। इन सामग्रियों की कुल कीमत 3,76,050 रुपए आंकी गई है। इस मामले में 3 आरोपी और 1 खरीदार को गिरफ्तार किया गया है। संजोग से ही पुलिस के हाथ बड़े चोर लग गए। फिलहाल कार्रवाई के बाद आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया है। सिविल लाइन क्षेत्र में मुखबिर के द्वारा सूचना मिली कि ईदगाह चौक के पास कुछ संदेही जो है सोने चांदी के जेवर लेकर घूम रहे हैं, जिसे ये बेचना चाहते हैं। तस्दीक पर पाया गया कि ये जो संदेही हैं, 4 संदेही, इनके द्वारा बलौदा जिला जांजगीर चांपा में जनवरी 2020 में लूट और एक चोरी की घटना कारित की गई थी और उसी से ये उन्होंने जेवरात चोरी किए थे। इस जेवरात में चांदी कुल 5 किलोग्राम, 3 नग मोबाइल इनके पास से बरामद हुआ है, जुमला कीमती 3,76,000, और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, अपराध पंजीबद्ध किया गया, 40-4 की कार्रवाई की गई है और बलौदा जिला जांजगीर चांपा में भी सूचना दे दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिलासपुर।